हाई स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज की वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं क्योंकि पिछले जितने भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो सब इंग्लिश में थी और स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये थे कि उनको इंग्लिश में नहीं उनको हिंदी में वीडियो चाहिए। सो इसलिए हम आज फ्रेज रिप्लेसमेंट करने वाले हैं थोड़ा मॉडरेट लेवल का, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कर चुके हैं बट वो इंग्लिश में थे। तो साथ साथ के मैं आपको पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे उसके बारे में भी थोड़ा बताती रहूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया उसको ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम वो उसको कवर अप कर ले, राइट। आज की वीडियो जो है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट पे है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है वो एक तरह से एरर स्पॉटिंग ही होता है, बट बेसिक डिफरेंस उसमें यह है कि आपको एरर स्पॉटिंग करने के बाद उसको रेक्टिफाई भी करना, जो भी एरर आपने स्पॉट किया है उसमें उसको रेक्टिफाई करके उसका करेक्ट आंसर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर आता है, द इंटायर अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी हैड कम इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू डीमोनेटाइजेशन एंड एवरी रूपी इज बीइंग वेरीफाइड इट इज वेदर इट इज ब्लैक और वाइट। पहले तो आपने क्या करना है कि देखना है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। स्टार्टिंग इसकी पास्ट से है बट जो बाकी का अंडरलाइन पार्ट पास्ट में है और बाकी का इज एंड इज दोनों ही प्रेजेंट में है। तो फर्स्ट एरर तो हमारे पास ये है कि हमने इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, राइट। अब जो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्लियर। तो इसलिए यहां पर अब जो एंटायर अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, यहां पर जो अमाउंट है वो सिंगुलर है, और यहाँ पर सिंगुलर में एक हमारे पास वॉज है जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि हमें प्रेजेंट में चाहिए हैज कम विद इनटू एंड इज कमिंग। अब क्योंकि हमें सिर्फ हैज ही चाहिए और तो इज कमिंग को हम काट सकते हैं और वॉज कम इनटू को भी काट सकते हैं, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हैज कम विद और हैज कम इनटू। अब इन दोनों में से सही क्या है? Has come into का मतलब है कि आपने एक movement show कर दी है, ठीक है। Movement show करने का मतलब है कि जो सारी black money थी banking system की वो demonetization के through हमने cover up की है, तो वो एक movement है तो हम इसको into रखेंगे और हमारा जो सही answer है वो C हो जाएगा। अब जैसे come into है, अगर आप उसका एक other example ले लें, the students कम इंटू द क्लासरूम, अब जो ये कम इंटू है वो एक मूवमेंट को शो कर रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहे हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द कमांडर वर कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर ऑफ आर्मी हाई कमांड। पहले तो आप इसको पढ़िए, वर कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग, ये एज ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है। अब उन्हें गलती कहाँ पर की है? हमारे पास है अलॉन्ग विद, ठीक है। अब आपके पास अगर दो सब्जेक्ट्स हैं या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अलॉन्ग विद as well as together with in addition to। अगर आपके पास सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहां पर सोल्जर है और कमांडर है, दोनों हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और ये जुड़े किससे हुए हैं? अलॉन्ग विद से। तो क्या होता है कि जो वर्ब होती है, जो यहाँ पर वर्ब है
वो हमारे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सोल्जर्स है, सोल्जर्स हमारे पास ज़्यादा है तो यहाँ पर वर ही आना चाहिए। तो इसलिए सेंटेंस में कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर डिफाइंग फोर के साथ हमेशा हम जेरंड यूज करते हैं, फोर डिफाई तो हो ही नहीं सकता। वर कोट मार्शलिंग दो जेरंड हम साथ में यूज ही नहीं कर सकते, वॉज तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। और ऑन डिफाइंग भी गलत, तो हमारे पास ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट दो हैं और वो अलॉन्ग विद एज वेल एज इन एडिशन टू जैसे फ्रेजेस के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, तो आपने जो भी वर्ब है उसको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। थर्ड सेंटेंस है, एज फार एज गुड स्कूलिंग इज कंसर्न्ड नन मोर देन अ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल कैन अफोर्ड इट फॉर देयर चिल्ड्रन। नन मोर देन अ फ्यू, अब आपके पास दो या तीन वर्ड्स हैं, नन, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब इसमें जब तक डिफरेंस नहीं मालूम है आपको, तो आप कैसे करेंगे कि हमने क्या लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नन मोर देन फ्यू, इसका हिंदी में मतलब बनता है कि बहुत ही कम, जिसकी गिनती भी हम ना करना चाहें कि वो बहुत ज़्यादा कम है। अब सेंटेंस में देखें तो जो गुड स्कूलिंग है उसको बहुत कम बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, फ्यू मीन्स हार्डली एनी वन, कि गिने चुने एक दो लोग। तो यहाँ पर हमारे पास अ फ्यू की जगह सिर्फ फ्यू आना चाहिए। ठीक है, मोर देन अ फ्यू मीन्स हमने जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको क्लियर करना है कि बहुत कम बच्चे हैं, हार्डली एक या दो, तो यहाँ पर आना चाहिए नन एक्सेप्ट अ फ्यू, कि कोई भी नहीं एक दो को छोड़कर। ठीक है, अ फ्यू मीन्स होता है मैनी या फिर थोड़े, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 10 या 20 या 25। और द फ्यू हैं जितने बच्चे कुचे हैं सब। आई हैव गिवन द फ्यू बुक्स आई हैड, ठीक है, जितनी मेरे पास किताबें थी जितनी भी, तो हम क्या करेंगे, द फ्यू लगाएंगे। अ फ्यू मीन्स थोड़े बहुत, बट फ्यू मीन्स बहुत ही कम, जिसको हम काउंट ही ना करना चाहें उसको हम क्या करेंगे, नन एक्सेप्ट अ फ्यू। ओके, सो आपका जो आंसर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, कि हैविंग स्पेंट हर चाइल्डहुड इन कोलकाता शी हैज डेवलप्ड हर एबिलिटी टू कन्वर्स इन बंगाली रादर गुड। अब जो ये रादर वर्ड है वो हमेशा ही एक नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ फूड इज रादर बैड, द क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन वॉज रादर डिजास्ट्रस, समथिंग लाइक दिस। जब आपको कुछ नेगेटिव शो करना है तो आप रादर वर्ड यूज कर सकते हैं, बट किसी चीज की एबिलिटी को कन्वर्स करने की बंगाली में, वो एक अच्छी आदत है। हमारे पास एक गुड चीज है तो हम उसके लिए फेयरली यूज करते हैं, और फेयरली के साथ हम सेकेंड फॉर्म वेल यूज करेंगे। रादर वेल भी गलत हो जाएगा, गुड रादर भी और रादर बेटर भी, सिर्फ फेयरली वेल यहाँ पर अच्छा आएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या है, फेयरली वेल। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने रादर यूज करना है तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में नहीं। इसके बाद इंडिया एंड चाइना हुज पर कैपिटा GHG footprint is far lower than US has affirmed their commitment to Paris Agreement. अब यहाँ पर देखो, दो सब्जेक्ट हैं इंडिया एंड चाइना, और उनकी पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। ये तो आपके पास एक
सबऑर्डिनेट क्लोज है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं आपके जो वर्ब है, सिर्फ इंडिया और चाइना का है। तो इंडिया और चाइना में क्या करते हैं हम कि जो दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हों, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे एज लॉन्ग एज में या फिर एज वेल एज में सिंगुलर वर्ब लेते थे। बट अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो आपने प्लूरल वर्ब लेना है। तो यहाँ पर हैज की जगह पर क्या आएगा, हैव। बट यहाँ पर हैव कितनी बार है, हैव अफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू, हैव अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू। इट्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास हैव देयर कमिटमेंट टू आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर इंडिया और चाइना दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही आपस में एंड के साथ कनेक्टेड हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल ही प्रोनाउन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर देयर आएगा। तो आंसर आपका आ गया ए। नेक्स्ट में आपके पास है, द गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस एंड सर्टेन कॉन्क्रीट रूल्स एंड रेगुलेशंस एमिंग एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब एमिंग एंड इम्प्रूविंग दो जेरंड्स आ गए आपके पास, ठीक है, पर जो यहाँ पर है ये आपकी वर्ब है और यहाँ पर ये आपका जेरंड है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हैज कम फॉरवर्ड, ठीक है, हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी तो यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या है, एम्ड। ओके, आपने ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपने उसी को कंटिन्यू करना है। अगर हैज कम आ गया तो यहां पर भी आपके पास थर्ड या सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए, एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एम के साथ हमेशा याद रखना है कि एट प्रेपोजिशन ही यूज होती है। एम एट मीन्स किसी चीज पे आपने निशाना रखा हो, वही आपका ये उद्देश्य है, गोल। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द डेंजर ऑफ फॉर ईवीएम मैनिपुलेशन वॉज नॉट ओनली इट्स सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो द हार्डवेयर विच कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड ईदर इन पार्ट्स और एज द एंटायर यूनिट। अब इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द डेंजर फॉर ईवीएम मैनिपुलेशन वॉज नॉट ओनली, पहली चीज आपने जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो नॉट ओनली की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो, जिस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस ईवीएम मैनिपुलेशन पे है तो इसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो कैन है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है और यहाँ पर जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, तो जो ईवीएम मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक प्रेजेंट चीज है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज की जगह पर इज आना चाहिए था। फॉर ईवीएम मैनिपुलेशन इज नॉट ओनली, क्लियर, आपने उसके नॉट ओनली की प्लेसमेंट को हटाना नहीं है, नहीं तो उसका पूरा मीनिंग ही खराब हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जा रहे हैं, फॉर मी जर्नी बाय एयर इज मोर प्रेफरेबल देन दैट बाय ट्रेन, बहुत इजी है। अगर आपके पास सेंटेंस में प्रेफर है तो आपने हमेशा टू लगाना है, तो यहाँ पर देन हटा के आपने सिर्फ टू लगा देना है, इज प्रेफरेबल टू दैट बाय ट्रेन। सिंपल सा रूल है, प्रेफर हमेशा टू यूज करते हैं, जैसे कि I prefer tea to coffee. It means कि आप चाय को ज्यादा अहमियत देते हैं कॉफी की बजाय।
और यहाँ पर क्या है कि आप एयर से जाना पसंद करते हैं ना कि ज्यादातर ट्रेन से. द नंबर ऑफ एलिफेंट्स टाइगर्स एंड वुल्व्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम फॉर इट्स लार्ज बायोमास इज ड्विंडलिंग. अब अगर आपके पास द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है. बट उसके बाद जो है एलिफेंट्स टाइगर्स एंड वुल्व्स, हम उनके बायोमास की बात कर रहे हैं, क्लियर. तो यहां पर क्या आएगा, ये जो बायोमास है वो एलिफेंट्स टाइगर्स एंड वुल्व्स से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, देयर. बट जो नंबर ऑफ है वो इससे रिलेटेड है, इज ड्विंडलिंग. आप अगर ध्यान दें जो द नंबर ऑफ के बाद वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है, इट्स लार्ज बायोमास. और द नंबर ऑफ वाला है वो इज ड्विंडलिंग से है, ठीक है. तो आपने इसकी जगह पे तो इज ही रहने देना है क्योंकि द नंबर ऑफ है वो सिंगुलर वर्ब लेगा. बट यहां पर क्या आएगा, देयर, देयर लार्ज बायोमास इज ड्विंडलिंग. ओके, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा क्योंकि वो जो चीज अभी कंटिन्यू हो रही है. उसके बाद इन अबैंडनिंग द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज चूजन टू अडॉप्ट अ बैकग्राउंड लुकिंग कोर्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू फेसिंग ह्यूमैनिटी. अब आपने सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस पूरा समझने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाना हैज चूजन टू अडॉप्ट. अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को गोद ले लेना. अडैप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना. ढालना मींस कि आप किसी नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, नए सर्कमस्टेंसेस में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं. और अडैप्ट का मतलब होता है कोई भी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स, ठीक है. तो जो उसने डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो अडॉप्ट नहीं किया है, उसने अडेप्ट किए हैं एक्सपर्ट्स. हैज चूजन टू अडेप्ट अ अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो ये कहता है कि उसने एक्सपर्ट्स को चूज किया है, ठीक है. अब इसमें तीन ऑप्शंस है, अडॉप्ट, अडैप्ट एंड अडेप्ट. इन तीनों का मतलब यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि गोद लेना, ढालना और एक्सपर्ट्स होता है. तो उसने एक तरह से अपने आप को अडॉप्ट किया है, चूज किया है. तो यहाँ पर हमारे पास कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है. तो अब इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स टू अडेप्ट, वो विशेषज्ञों को नहीं चूज करेगा, उसने अपने आप को अडॉप्ट करने की, या फिर अडॉप्ट मीन्स टू टेक अप, किसी चीज को ले लेना, गोद ले लेना या फिर किसी भी तरीके से लेना. तो इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है. नेक्स्ट है, इफ वी फेल टू टुक दिस चांस द राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन यूरोप्स कोर कंट्रीज विल बिकम इनएविटेबल. अब इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है, टू अगर आपने लगाया है तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. कहीं पे भी अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इफ वी फेल टू टेक दिस चांस द राइज ऑफ, क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है,
यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। इफ वी फेल टू टेक दिस चांस, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। द वॉर अगेंस्ट करप्शन इज ओनली स्टार्टिंग एंड द फाइटिंग इज कैरिड अवे बाय ऑफिस बाय ऑफिस, मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री। अब आपको यहां पर कैरिड के साथ लगने वाला जो प्रेपोजिशंस है उसके बारे में मीनिंग पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रेपोजिशन से उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे कि हमारे पास है कैरिड आउट, कैरिड ऑन, फिर से कैरिड आउट एंड फिर से कैरिड आउट। अब कैरिड आउट का मीन्स है टू पुट अहेड, किसी चीज को आगे रखना, ठीक है। कैरिड ऑन का मतलब है कि आप किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कैरिड ऑन। एंड कैरिड अवे, कैरिड अवे मीन्स किसी भावना में बह जाना, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका कैरिड आउट करेक्ट मीनिंग है वो तो हमने डिसाइड कर लिया। अब यहां पर इज आएगा कि वॉज आएगा, क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी इज यूज किया हुआ है, यहां पर भी इज है, तो यहां पर सिर्फ इज कैरिड आउट आएगा क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्लियर। द स्टूडेंट्स वर पुल डाउन बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। अब फिर से हमारे पास पुल के साथ प्रेपोजिशन लगी है और एक फ्रेजल वर्ब बना है, तो हमें पुल अप मतलब बताना चाहिए। पुल अप का मतलब है कि किसी को रोकना या फिर झिड़कना, डांट लगाना। और यहां पर प्रिंसिपल ने बच्चों को ऑब्वियसली बात है कि डांट लगाई है, तो यहां पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय। पुल्ड विद मीन्स, या पुल विद मीन्स किसी के साथ टाइम बिताना, जैसे जिंदगी भर का साथ होता है। और पुल ऑफ मीन्स आगे लेकर जाना, तो यहां पर इसमें से कोई भी मीनिंग सही नहीं है, सिर्फ एक पुल अप का ही सही है कि पुल अप मीन्स डांट लगाना। तो स्टूडेंट्स को टीचर ने या प्रिंसिपल ने डांट लगाई थी, तो द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, शी इज वर्किंग हार्ड विद द व्यू बाय अटेनिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो कुछ हमने हमेशा ये लर्न किया है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हम टू के साथ आईएनजी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बी यूज्ड टू है, बी यूज्ड टू सिंगिंग लिख सकते हैं, क्राइंग लिख सकते हैं, ईटिंग लिख सकते हैं, अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, क्योंकि यहां पर जो ये टू है वो इसका एक मीनिंग बना रहा है, ठीक है। आप इसको चाहे एडियम बोलें या फ्रेज बोलें, तो यूज टू का मतलब किसी चीज का आदि जाना, अकस्टम टू का मतलब भी यही है, विद अ व्यू टू मीन्स किसी उद्देश्य के साथ। तो वो किस उद्देश्य के साथ कर रही है, टू अटेनिंग गुड मार्क्स। तो यहां पर क्या आएगा, विद अ व्यू टू अटेनिंग गुड मार्क्स। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। विद अ व्यू, आपके पास याद रहे कि विद अ व्यू के साथ हमेशा टू आएगा, तो फोर या ऑफ का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसके साथ हमने आई एन जी लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। होम डू यू थिंक आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन वेन यू कम टू सी मी। अब जो हु है और whom है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हु जो है हम
किसी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और होम जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि वो किससे बात कर रही थी या कर रहा था। तो हु डू यू थिंक आई वॉज टॉकिंग ओवर द फोन? ओवर नहीं आता, टॉकिंग टू आता है। ठीक है, तो आप फोन पर बात कर रहे हैं, इट मीन्स आप यू आर टॉकिंग टू द फोन। अब ये टू हमने क्या किया है, क्योंकि हम किसी और से बात कर रहे थे यहां पर, तो इसलिए हमने टू लगाया है। हु डू यू थिंक आई वॉज टॉकिंग टू द ओवर द फोन व्हेन यू कम टू सी मी? तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। Children who have a good preschool education are most likely to outdo other children at school. अब यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन नहीं है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा have had a good preschool। यहाँ पर आपको कुछ भी अगर मिस्टेक लग रही है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, have had good preschool, have had a bad preschool, हम उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते। Had a good preschool भी गलत है, क्योंकि हमने children लगाया तो मैं have तो चाहिए ही, had a better नहीं, क्योंकि sentence में कोई mistake ही नहीं है, तो इसमें कोई required correction नहीं है, तो ये आपका correct answer है। अब either the principal or his colleagues have submitted their resignation, इसका मतलब ये है कि Either the principal or his colleagues, अब आपके पास अगर सेंटेंस में either या फिर either or या neither nor लगा है, तो आपने करना क्या है कि जो verb है उसका nearest subject pick करना है। अब nearest subject तो colleagues है, colleagues हमारे पास plural है, तो हमारी verb भी plural होनी चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, हैव सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन। हिज तो हम काट देंगे, क्योंकि अगर हमने वर्ब प्लूरल लगाई है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट इजी, परटेंड विद द लेजिस्लेचर, द मेन बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज टू डील विद मैटर्स परटेन विद द लेजिस्लेचर। अब इट मीन्स पर्टेन के साथ पहले तो हमेशा टू आता है, ठीक है। अब उनका काम क्या है, ऐसे कुछ चीजों में डील करना जो हमारे कानून से रिलेटेड हो, तो वो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, पर्टेनिंग। तो हमारा आंसर क्या है, डी। A true soldier is always preparing to lie down his life for the sake of the nation. यहाँ पर is preparing present continuous तो ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक lie down का difference है, ठीक है। अब lie down means lay down, it means सेक्रीफाइस करना। ले बाय मीन्स पैसे को सेव करना, और लाई डाउन मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है। अगर आप बैठे हुए तो आप ले जाते हो, तो यू लाई डाउन। तो यहां पर हमारे पास सोल्जर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस, तो हमारे पास क्या ना चाहिए, ले डाउन। A true soldier is always prepared to, क्योंकि अब हम यहाँ पर continuous को छोड़कर हम किस पे आ गए हैं, passive voice पे, is prepared to lay down his life for the sake of nation. Next हमारा जो last sentence है, whenever my students come across new words I ask them to look for them in the dictionary. अब यहाँ पर look for एक phrasal है, phrasal verb है, to look after
टू लुक एट, टू लुक देम, टू लुक इन टू. अब लुक आफ्टर और लुक इन टू, दोनों का मतलब है कि आप कुछ चीजों को केयरफुली कर रहे हैं. टू डू सम थिंग्स केयरफुली और टेक केयर. लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज का ध्यान रखना. लुक इन टू का मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना. ठीक है. और यहां पर हमारे पास है लुक अप. लुक अप मीन्स किसी बुक या फिर डिक्शनरी को कंसल्ट करना. जब आप कहते हैं कि यू आर लुकिंग अप फॉर द डिक्शनरी, इट मीन्स आप उसको कंसल्ट कर रहे हैं. तो यहां पर आएगा आई आस्क्ड देम टू लुक फॉर, फॉर हटा के हम क्या कर देंगे अप, टू लुक देम अप. इट मीन्स उसको आप डिक्शनरी में खोजिए. और इसके साथ हमारा ये जो वीडियो था इसके जो सारे सेंटेंसेस हैं वो खत्म हो चुके हैं. तो पहली चीज तो ये कि मेरा फर्स्ट वीडियो था हिंदी में, तो अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे की वीडियोस को हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. बट उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है ताकि हम और वीडियोस बनाएं. हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिए. और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए और मैं आपको वहाँ पर क्लैरिफाई कर दूंगी. उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन बटन, जो बेल बटन बना है, उस पर ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें आगे आने वाली वीडियोज़ की. और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द GK डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, बिकॉज वहाँ पर हम सारे वीडियोज और मटेरियल डाल रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड इफ आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए. आई रिप्लाई टू ऑल योर कॉमेंट्स. थैंक यू सो मच.